नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका डिजिटल सासुमा में। मैं सुनीता सक्सेना। आज बालों का झड़ना, रूसी फंगस और हमारे बहुत अधिक बाल जो सफ़ेद होने लगे हैं आज के समय में, तो दिनचर्या सही नहीं है, तो इससे काफ़ी हमारे बालों को नुकसान होता है। टेंशन रहता है हमको, तो रात को नींद नहीं आती, काफ़ी रात तक सोते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और थकान बहुत रहती है। इससे हमारा सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है और हमारे बालों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे बालों पे पड़ता है, और जिससे हमारे बाल असमय ही झड़ने लगते हैं, बाल रूसी हो जाती है, फंगस हो जाती है, और कई जगह तो गंजापन, हमारे बालों में गंजापन इतना अधिक आ जाता है। और एक आज के समय में तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है गंजेपन की। लेडीज़ हैं तो उनके इतने अधिक बाल झड़ने हैं, तो उनके सिर में भी गंजापन आ रहा है। जेंट्सों में तो आ ही रहा है, पर लेडीज़ों में भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे बच्चों में भी, कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही है। तो मैं आज उसी के लिए एक आपको ऑयल बनाना बता रही हूँ, तो जो बहुत 100% इसके रिजल्ट्स हैं, और आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करिए और आप देखिए उसके कितने फ़ायदे होंगे। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सीताफल हमारा मौसमी फल है और सभी को ये प्रिय है, मीठा होता है, और इसमें मतलब खाने से बहुत सारी बीमारियों का हमको फ़ायदा होता है, जैसे शुगर है, हार्ट अटैक है, एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, ऐसी कई बीमारियों का हमारा इलाज इसमें होता है। और मैंने इसके वीडियो 3-4 पहले भी बना दिए हैं, आपने ज़रूर उसको देखा होगा। और आज मैं ऑयल बता रही हूँ, तो सीताफल के जो बीज होते हैं चमकदार होते हैं, काले चमकदार होते हैं, और देखिए मैंने ये बीज निकाल लिए हैं सीताफल के, और इनको मैं अच्छे से मिक्सर में पीसती हूँ और मैं बताती हूँ आपको उसमें कैसे यूज़। ये सीताफल के बीज हैं और ये एक ऐसा फल है जो आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ये थकावट को दूर करता है, और इसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ये कई बीमारियों का इलाज होता है। और आज मैं इसके बीजों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने ये सीताफल के बीज ले लिए हैं, निकाल लिया और उनको अच्छे से सुखा लिया है। सुखा के अब मैं इनको मिक्सर में पीस के आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने मिक्सर में पीस लिया है और इसका देखिए चूर्ण बन, बारीक चूर्ण बन गया है, बढ़िया चूर्ण देखिए ऐसा बन गया है। में बकरी के दूध में अच्छे से फेंटूंगी मिक्सर में, और यदि आपको आसानी से बकरी का दूध नहीं मिलता है तो आप गाय का, नहीं बकरी का दूध मुझे अचानक ही मिल गया था, तो मैंने इसको गर्म कर लिया बकरी का दूध, और अब इसको मैं मिक्सर में अच्छे से इस चूरन को, 2 चम्मच चूरन को मिक्सर में अच्छे से पीसूंगी। देखिए मैंने ये चूरन को, जो सीताफल के बीज हैं उनको बारीक करके, और ये बकरी के दूध में मैंने ले लिया। यदि आपको बकरी का दूध आसानी से नहीं मिलेगा तो गाय का दूध लेना, वैसे बकरी का दूध बहुत कम ही मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गाय का दूध आप लें ज़रूर। और इसको देखिए मैंने मिक्सर में अच्छे से घोंट लिया है, ये बढ़िया, और इसको मैं अब इसमें निकाल रही हूँ। मैंने देखिए अच्छे से घोंट लिया है, और ये इस टाइप का ये हमारा मिश्रण बन गया है। अब बालों को आप बालों में धीरे धीरे करके आप ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे लगाइए, और लगा के इसको 1 घंटे आप छोड़ दें पूरे बालों में और बालों की जड़ों में। एक घंटे आप देखिए ऐसे लगा के पूरे बालों की जो जड़ें हैं उनमें लगा के आप छोड़ दीजिए 1 घंटे, और 1 घंटे बाद आप इसको शैम्पू करिए, और शैम्पू करके अच्छे से आप तेल लगाइए। और मैं एक तेल बनाना और बता रही हूँ आपको, तो वो आप ज़रूर यूज़ करें, पहले आप ये लगा लें इसके बाद तेल लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये कर लिया ऐसे, 1 घंटे आप लगेंगे बालों में, शाइनिंग, चमकदार, रूसी फंगस दूर हो जाएगी, और जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं वो धीरे धीरे काले होने लगेंगे। तो ये बीज आप सीताफल के बीज 12 महीने नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आप सीजन है तो इसमें आप खूब सारे बीज इकट्ठे करके उनको पीस कर पाउडर बनाकर आप रख लें, और जब भी आपको बनाना है तो तुरंत उसमें दूध डालें और मिक्सर में घोटें, और आप है ना सिर धोने से 1 घंटे पहले ज़रूर आप इसको लगा लें। और अब मैं आपको मैं इसके बीजों का तेल बनाना बता रही हूँ। तो इसमें मैंने देखिए सरसों का तेल लिया है, वो ठंड का समय है और सरसों का तेल अभी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो ये मैंने देखिए 50 से 100 ग्राम के बीच में मैंने ये सरसों का तेल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी
एक चम्मच ये पाउडर सीताफल के जो बीजों का मैंने जो पाउडर बनाया है वो एक चम्मच में डाल रही हूँ, और एक चम्मच डालूंगी मैं जो नीम के पत्तों को मैंने अच्छे से सुखा लिया है, सुखा के मिक्सर में पीस लिया है, तो जो हमारा पाउडर बना है वो मैं इसमें एक चम्मच में डाल रही हूँ, और एक चम्मच डाल रही हूँ मैं कलौंजी। ये सभी हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और बाल इसमें बालों में शाइनिंग, रूसी, फंगस, ये जो भी हमारी बालों की प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, गंजापन, ये सभी दूर हो जाएगा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं चलिए मैं गैस पे इसको बॉइल करके बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं इसको पकाऊंगी। बढ़िया सीताफल के जो मैंने बीज लिए हैं, कलौंजी लिए हैं, और नीम का पाउडर लिया है, ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छे बॉइल हो जाएंगे। तो बंद आंच पे मैं इनको पका रही हूँ, और ये तेल हमारा बहुत बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसके 100% रिजल्ट्स हैं। आप इसको यूज करिए और देखिए, आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर ही इतना फायदा होगा। जब भी आप सिर धोएंगे तो यदि उस रात को एक दिन पहले आप इस तेल को लगाती हैं तो आप देखिए, और सुबह बढ़िया शैम्पू करें, कंडीशनर करें, और आप देखिए बालों का आपका झड़ना, रूसी, फंगस सभी दूर हो जाएंगे। और ये सिम पे देखिए मैं कर रही हूँ, ये हमारा तेल अच्छे से पक गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको तेल ठंडे होने के बाद और इसको मैं छानती हूँ। अब हमारा तेल ठंडा हो गया है और मैं देखिए स्टील की छन्नी से छान रही हूँ इसको अच्छे से। यदि आप कोई कपड़े से छानना है तो उससे भी आप छान सकती हैं। और ये जो मटेरियल मेरा बचा है इसको आप जो मेहंदी ये हिना लगाएं तो उसमें जरूर डालें। देखिए ये जो मैंने आपको लेप बनाना बताया है सीताफल के बीजों का, ये सभी के लिए अच्छा है, और यदि बच्चों के सिर में जुए हैं तो आप उनको भी विशेष तौर से लगाएं, तो उससे जुए जड़ से ही चले जाते हैं और बाल उनके बच्चों के स्मूथ हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। तो आप ये बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो तेल मैंने बनाना बताया है, देखिए ये तेल भी सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी। तो चलिए मैं ये इसको लगा के बताती हूँ आपको। अब देखिए मैंने ये जो बनाया है लेप, ये मैं बच्चों के सिर के लिए यूज़ कर रही हूँ, जिनमें जुए होते हैं, लीकें होती हैं, चुपटियाँ हो जाती हैं बारीक, तो उन सबको दूर करने के लिए है। और भी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है, पर मैं आज भी बच्चों के लिए इसको उपयोग कर रही हूँ। तो चलिए मैं इस गुड़िया को लगा के बताती हूँ आपको। लगाए आना, सबको हाय करिए। चलिए मैं आपको लगाती हूँ, ये पकड़िए। देखिए मैं ये तेल लगा रही हूँ, वो अच्छे से सूख गया है, और अब मैं इस तेल को पूरी जड़ों में लगाकर, देखिए मैंने पूरे अच्छे से तेल लगा दिया है और मिक्स किया है पूरे बालों को। अब इसको रात भर लगा के रखेंगे और सुबह इसको अच्छे से शैम्पू कर लेंगे। देखिए ये हमने जो तेल बनाया है वो भी मैंने आपको लगा के बता दिया, और ये जो लेप बनाया है मैंने बकरी के दूध का, ये भी अच्छे से मैंने लगा दिया है, और उसको रात भर रखेंगे और सुबह बढ़िया शैम्पू में कर देंगे। तो आपको भी फायदे मिले हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।